Hey guys, welcome back to our channel Plus with Amit Daksh. हमारे चैनल में आपका स्वागत है once again. आज हम बात करते हैं आपके PPT की. आज का जो टॉपिक है वो हमारा क्लैंप. क्लैंपिंग क्या होता है ये डिस्कस करते हैं. क्लैंपिंग क्या होती है? क्लैंपिंग यूनिट क्या होती है? क्लैंपिंग यूनिट क्या होती है? यूनिट का मतलब हो गया पूरा, ये हमारी ये यूनिट कहलाती है पूरी, पूरा सेटअप हमारा यूनिट होता है. क्लैंप का मतलब होता है बांधना या किसी को रोक के रखना, उसे हम क्लैंपिंग कहते हैं. क्लैंपिंग का मतलब ये होता है. इसमें काम क्या होता है? इसमें हमारे मोल्ड को रोका जाता है. ये हमारे मोल्ड की प्रोसेस होती है. इधर हम मोल्ड को रोक कर रखते हैं, स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं ताकि कुछ बिगड़े ना. होता क्या इसका मतलब, प्रोसेस क्या है, इसका काम क्या है? क्लैंपिंग का मतलब ये होता है जब हम हमारी इंजेक्शन प्रोसेस की प्रोसेस चलती है, जब हमारा मोल्ड खुलता है, ओपन होता है, जब फिर हम इसमें मोल्टन मटेरियल को इंजेक्ट करते हैं, उसके बाद जब हमारा मोल्ड क्लोज होता है, तब हमारा इंजेक्शन प्रेशर होता है. जब इंजेक्शन प्रेशर होता है तो जब इंजेक्ट किया जाता है मटेरियल को, तो हमारे मोल्ड पर प्रेशर ही क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमारा मोल्ड स्टेबल नहीं हो पाता है, वो सेक करने लगता है अपनी पोजीशन को. ये पोजीशन को सस्टेन बनाए रखता है, और वो फोर्स जो सस्टेन बनाए रखे मोल्ड को एकदम स्थित रखे, अपनी पोजीशन चेंज ना करे, ताकि हमारे प्रोसेस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उस फोर्स को हम क्लैंप कहते हैं, क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं. क्लैंपिंग का मतलब वो दो ऐसे दो हाफ्स होते हैं, मोल्ड के दो हाफ्स होते हैं, कुछ इस तरह के हाफ्स होते हैं. ये कैविटी वाला होता है, ये हाफ होते हैं. जब ये आपस में मिलते हैं तो हिल ना जाए, हिल जाते हैं, इस वजह से बनाए रखते हैं, सस्टेन रखता है, एक स्थिर रखता है उस जगह को, उसी को हम क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं. क्लैंपिंग फोर्स कहते हैं किसके द्वारा होता है, ये हमारे मोल्ड के मोल्ड पर होता है. किसके द्वारा होता है? हमारे टॉगल की और हमारे हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा होता है, उसे हम क्लैंपिंग यूनिट कहते हैं और इसे क्लैंपिंग प्रोसेस कहते हैं. इसका मतलब क्या है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बेसिकली जो हमारा क्लैंपिंग होता है वो हमारा इसलिए होता है ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो, हमारा मोल्ड एक जगह एकदम स्थिर रहे, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल अच्छे से शेप ले ले, शेप लेने के बाद अच्छे से प्रोसेस हो जाए, हमें इसलिए जरूरत पड़ती है. बेसिकली जो हमारा क्लैंपिंग फोर्स होता है वो हमारे मशीन पर डिपेंड करता है. मशीन क्या है, उसका साइज क्या है, उसका टनेज साइज क्या होता है. टनेज साइज डिपेंड करता है कि हमारा कितने क्लैंपिंग फोर्स लगना चाहिए, उस पर डिपेंड करता है. ये हमारे मशीन पर डिपेंड करता है, हमारी मशीन कैसी है, कितना टनेज फोर्स लगेगा. टनेज फोर्स क्या होता है? टनेज फोर्स में ये होता है कि जो हमारा मटेरियल यहाँ से ऊपर से यहाँ स्क्रू पर आता है उसे टनेज कहते हैं. मशीन में ऑप्शन आता है टनेज का, उसे टनेज कहते हैं. टनेज के डिपेंड करता है कि हमें कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा, हमें क्लैंपिंग फोर्स लगाना पड़ेगा. फिर जब हम क्लैंपिंग फोर्स लगाते थे, ये हमारे एक परफेक्ट वैल्यू हमें रखनी पड़ती है, ना ही हम इसको ज़्यादा रखते हैं ना ही कम रख सकते हैं. अगर हम इसे कम रखते हैं तो हमारा मोल्ड ढीला रहेगा, कसेगा नहीं, और जिसकी वजह से जब प्रेशर हम इंजेक्ट करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, जिसकी वजह से हमारा शॉर्ट प्रोडक्ट भी बन सकता है, या हमारे फ्लैश भी आ सकती है, कई सारे डिफेक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं. लेकिन ऑन द अदर हैंड देखिए, हम इसे ज़्यादा टाइट भी लगा देते हैं, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा, तो हमारे मोल्ड घिस जाते हैं, जिससे वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. जो हमारे मोल्ड होते हैं सब लो ग्रेड की प्लास्टिक के लिए यूज होने वाले हमारे मोल्ड लाखों में होते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है. इसलिए हम इसको फिक्स रखा जाता है, हम बिल्कुल भी इसमें टॉलरेंस नहीं दे सकते कम ज़्यादा की. बेसिकली जो हमारा क्लैंपिंग फोर्स होता है वो मेनली दो तरह का होता है, एक तो टॉगल टाइप होता है और दूसरा होता है हाइड्रोलिक टाइप. हाइड्रोलिक टाइप में जैसे ये होता है, हाइड्रोलिक टाइप में ये हमारा रैम है, यही पीछे जाएगा, कुछ इस तरह आपको बता देता हूँ. ये रैम है, यही पीछे जाएगा, यही आगे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से फिर इसके यहाँ पर ये मोल्ड चिपका होता है, इस तरह का, यही आगे पीछे सेक करता है. अगर हम टॉगल टाइप में क्या होता है, टॉगल टाइप में कुछ नहीं होता, टॉगल टाइप में कुछ इस तरह का बना होता है, कुछ इस तरह की बनी होती है. जब ये टेढ़ा होता है जब पीछे जाता है, और जैसी जब ये आगे मोल्ड जब आगे प्रेशर करता है तो ये भी स्ट्रेट हो जाता है, फिर ये फिगर हमारा कुछ इस तरह बन जाता है. तो टॉगल टाइप में ये होता है, एक पुली की तरह एक हिंजी लगी होती है, जिसकी वजह से आगे पीछे वर्क करता है. तो ये हमारे क्लैंपिंग होती है. क्लैंपिंग का मेन यही पर्पस है बस, कि मोल्ड को एकदम सीधा रखे, अपनी जगह पे रखे, उसे ढीला ना रखे, ताकि प्रोसेस अच्छी हो सके. तो ये था बेसिक टू टाइप का होता है. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू.